आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की एसएससी एमटीएस की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली आप लोगों का एसएससी एमटीएस का 7 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 7 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँगा वो 100% बिल्कुल रियल होंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी बच्चे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो देख लेते हैं एसएससी एमटीएस की 7 अक्टूबर की प्रथम पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि सरहुल उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो सरहुल उत्सव जो है ना, ये झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल उत्सव की अगर हम बात करें तो सरहुल उत्सव या त्यौहार ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि सरहुल त्यौहार जो है ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो सरहुल त्यौहार जो है ना ये उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अच्छा, अगर आपसे पेपर में ये पूछ लिया जाए कि जो सरहुल त्यौहार जो है ना ये किस मौसम में मनाया जाता है, तो झारखंड में जो सरहुल त्यौहार मनाया जाता है आपका, ये बसंत मौसम में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? बसंत मौसम में। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल त्यौहार कब मनाया जाता है? तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल त्यौहार चैत्र महीने में मनाया जाता है। ठीक है, झारखंड का सरहुल त्यौहार को फूलों का त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। सबसे पहले आपको ये सारे फैक्ट ध्यान में रखने हैं। झारखंड के अन्य जो प्रसिद्ध त्यौहार हैं वो हैं करम टुसु पर्व या मकर, भगत पर्व, सोराई, ये झारखंड के प्रसिद्ध त्यौहार हैं। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के कौन कौन से त्यौहार हैं? पतंग महोत्सव हुआ, नवरात्रि पर्व हुआ, रण उत्सव हुआ, मोढ़ेरा नृत्य महोत्सव हो गया, ये गुजरात के त्यौहार हैं। असम की अगर हम बात करें तो असम के कौन कौन से त्यौहार हैं? तो असम के जैसे कि बिहू महोत्सव हुआ, मैं दम में फी माजुली महोत्सव, देहिंग पटकाई महोत्सव, काजीरंगा हाथी महोत्सव, ये असम के त्यौहार हैं। छत्तीसगढ़ त्यौहार की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से त्यौहार हैं? बस्तर दशहरा, भोरम देव महोत्सव, राजिम कुंभ मेला, मड़ई महोत्सव, कजरी महोत्सव, ये छत्तीसगढ़ के महोत्सव हैं यानी त्यौहार हैं। तो ये सारे फैक्ट ध्यान में रखने हैं क्योंकि एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में इन्हीं फैक्ट से प्रश्न जो है वो रिपीट हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा तो फैक्ट को जरूर देखेगा आप लोग एक बार। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था 2011 जनगणना की जनगणना आयुक्त कौन थे। 2011 जनगणना की जनगणना आयुक्त थे श्री एम चंद्रमौली। कौन थे? श्री एम चंद्रमौली। 2011 की जनगणना के लिए सी एम चंद्रमौली भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त थे। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम भारत की सबसे कम आबादी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जबकि महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। तो यहाँ से देखिए कई सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट आप इन्हें देखते चलिए क्योंकि प्रश्न जो है एक्स्ट्रा फैक्ट से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि एक प्रश्न के कई एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं और इन्हीं में से प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे। जैसे कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है, तो वो तो हो गया उत्तर प्रदेश। और दूसरे नंबर का आबादी वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। लिंग अनुपात के अनुसार देश में 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। वहीं हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में प्रति 1000 पुरुषों पर सिर्फ 870 महिलाओं के साथ सबसे कम लिंगानुपात है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में समग्र साक्षरता दर 74% है। बिहार भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है, जिसकी साक्षरता दर कितनी है? 63.82%। सर्वाधिक शहरीकृत राज्य गोवा है, जिसकी 62.17% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहने वाली है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं।
अगला प्रश्न क्या था? तो अगला प्रश्न पूछा गया था माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो माई कंट्री माई लाइफ जो है ना लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। लाल कृष्ण आडवाणी की अगर हम बात करें तो लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के राजनेता है। तो लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं किस पार्टी से संबंध रखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया है। वह 15वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता भी थे। माई कंट्री माई लाइफ ये उनकी ही आत्मकथा है। पुस्तक का विमोचन 2008 में APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ किताबें चुनी हुई हैं, कविताएं और मेरी 51 कविताएं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगर हम बात करें, डॉक्टर मनमोहन सिंह कुछ किताबें चेंजिंग इंडिया और द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट, द जजमेंट और विदाउट फियर की कुलदीप नैयर की कुछ किताबें हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट ध्यान में रखने हैं आपको। अगला प्रश्न पूछा गया था 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 2011 अभी मैंने आपको बताया था, एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बताया था कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। 2011 की जनसंख्या जनगणना में यह पता चला है कि भारत में जनसंख्या अनुपात 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। विभिन्न भारतीय राज्यों का लिंगानुपात देख लीजिए एक बार आप लोग, जैसे कि केरल का 1084, पुडुचेरी का 1037, तमिलनाडु का 996, आंध्र प्रदेश का 993, छत्तीसगढ़ का 991, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का 876, दिल्ली का 868, चंडीगढ़ का 818 लिंगानुपात है, दादरा और नगर हवेली 774, दमन और दीव का 618 लिंगानुपात है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि 1932 में पूना पैक्ट में किसने साइन किया था? तो 1932 में पूना पैक्ट में डॉक्टर V.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के द्वारा साइन किए गए थे। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? सितंबर 1932 में। पूना पैक्ट पर 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौते को प्रस्तुत करता है। इस संधि ने गांधी जी द्वारा जेल में किए गए उपवास को समाप्त कर दिया, जो उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड के खिनबर्ग के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल के विचार के विरोध में रखा था। लॉर्ड विलिंगटन के समय इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। पूना पैक्ट ब्रिटिश भारत की संसद में चुनाव सीटों के आरक्षण के साथ दलित वर्गों को प्रदान करने के लिए 1932 में हस्ताक्षरित समझौते को संदर्भित करता है। ये पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और V.R. अम्बेडकर की ओर से मदन मोहन मालवीय द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट ध्यान में रखने हैं आपको। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि 2023 एशिया हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती थी? 2023 एशिया हॉकी चैंपियनशिप भारत के द्वारा जीती गई थी और इसका उपविजेता कौन था? मलेशिया उपविजेता टीम रही थी। 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में दक्षिण कोरिया ने जीता था और उपविजेता जापान थी। 2024 का एशिया हॉकी चैंपियनशिप भी भारत ने जीता है और इसमें उपविजेता टीम थी चीन यानी कि चाइना। 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। ये मैच कहाँ पर हुआ था? मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में ये मैच खेला गया था। 2023 की बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन पूछा गया था 1984 का डूरंड कप ये किसने जीता था? तो 1984 का डूरंड कप मोहन बागान के द्वारा जीता गया था। रिकॉर्ड के अनुसार मोहन बागान डूरंड कप के लंबे इतिहास में एकमात्र टीम है जिसने लगातार 3 सत्रों में 2 बार ट्रॉफी जीती। 1963, 1964, 1965, 1984, 1985 और 1986। अच्छा, डूरंड कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो डूरंड कप जो है ना ये फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। कहाँ हुई थी? शिमला में हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अरविंद थटे किस घराने से संबंधित? तो ये हारमोनियम वादक से संबंधित है। डॉक्टर अरविंद थटे एक अग्रणी हारमोनियम वादक हैं जो एक प्रतिष्ठित संगीतकार और एकल वादक हैं। थट्टे का जो जन्म है 1958 में संगीत प्रेमियों के परिवार में हुआ था। उनके पिता और बड़े भाई हारमोनियम बजाने में कुशल थे
और उन्होंने भी 6 साल की उम्र में वाद्य बजाना शुरू कर दिया। उन्होंने जीएल सामंत के अधीन तबला का अध्ययन किया। शुरू में पुणे भारत गायन समाज, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए समर्पित एक संस्थान है, और बाद में सुहास और सुदीप दातार से गायन की शिक्षा प्राप्त की। 1981 से 1996 के बीच पद्म विभूषण पंडित जसराज के लिए छात्र रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था गाइस कि कृष्ण नायर किस नृत्य से संबंधित हैं। तो कृष्ण नायर जो है ना, कथकली से संबंधित हैं। इनका पूरा नाम है कलामंडलम रामनकुट्टी नायर। इन्हें कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में। तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। इस नहर का उद्गम सतलुज और व्यास के संगम पर पंजाब में स्थित हरिके बराज से है। हरिके से 204 किलोमीटर लंबा इंदिरा गांधी फीडर ऑफ टैक, जिसकी लंबाई पंजाब और हरियाणा में 170 किलोमीटर और राजस्थान में शेष 34 किलोमीटर है। नहर की कुल लंबाई लगभग 650 किलोमीटर, 204 किलोमीटर इंदिरा गांधी फीडर नहर IGFFC प्लस 445 किलोमीटर इंदिरा गांधी मुख्य नहर IGMC है। यह नहर राजस्थान में हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। इंदिरा गांधी फीडर के अंतिम भाग से 445 किलोमीटर लंबी इंदिरा गांधी मुख्य नहर शुरू होती है, जो श्री गंगानगर और बीकानेर जिलों से गुजरती और जैसलमेर के मोहनगढ़ में समाप्त होती है। नहर को पहले राजस्थान नहर के रूप में भी जाना जाता था। इस नहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार, क्या कर रहे हो आप लोग, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल अभी तक, आप लोग तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। इसकी वीडियो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।